गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे आज की ट्रेडिंग रहने क्या न्यूज़ है। कल यूएस का डेटा आया था, पीएमआई का, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। साथ में आज जॉब ओपनिंग का डेटा आने वाला है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कंडीशन यहाँ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, ग्लोबल कंडीशन को देखेंगे। साथ में इंडियन मार्केट में एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। हम नए हैं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए हम वीडियो शेयर करते हैं और आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूं और आप चैनल भी शेयर करते रहे अगर आपको लर्निंग कंटेंट में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो। चार्ट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ उसके विषय में बात कर लेते हैं। जो यूएस का डेटा आने वाला था, पीएमआई का, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था, मैनेजर इंडेक्स, ये क्या होता है, परचेजिंग पावर को शो करता है, कितना परचेजिंग हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू। तो जो 50% या उससे ज़्यादा का रहता है तो मतलब थोड़ा एक्सपेंशन में है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है। लेकिन इसका डेटा आया है 49.7, जो प्रीवियस मंथ का डेटा था उससे भी कम आया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दूसरा यहाँ पे कंडीशन है कि जॉब ओपनिंग, अगर जॉब ओपनिंग में भी थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, अगर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम हो रही है, सर्विस एक्टिविटी कम हो रही है, तो लोगों की जॉब भी कम ही लगने के चांसेस बनेंगे। देखते हैं फॉरकास्ट 8.4 मिलियन का है, उसके रिस्पेक्ट में कितना आता है। इससे प्रीवियस 8.488 था, इससे पहले अगर आप देखोगे 8.488 मिलियन के आसपास था, 8.4 का प्रेडिक्शन है। जो भी एक्चुअल डेटा आएगा उसको आपको इवनिंग में लगभग 7:30 बजे के आसपास आएगा। तो ओवरऑल आज की कंडीशन मार्केट इसी के अराउंड में घूमने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे यहाँ का होने वाला फ्राइडे, फ्राइडे के दिन में आपको ज़्यादा मोमेंटम होने के चांसेस बनेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे थे फ्रेंड्स डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हम जब डिस्कशन कर रहे थे कल मॉर्निंग के टाइम में भी और इवनिंग के टाइम पे, वहाँ पे भी हमारे लिए कंडीशन थी, जस्ट हमें दो कंडीशन को ट्रैक करना होता है। अगर ये कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है और सिल्वर भी गोल्ड भी डाउन साइड जा रहा है तो आपको अलर्ट रहना है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो हमें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है तो इसके अगेंस्ट में सिल्वर को अपसाइड जाना चाहिए था। सिल्वर देखेंगे डाउन साइड से 2000 पॉइंट का हायर साइड रैली किया है, उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हैं, कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे वो कहीं एक कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा था, उस समय हमारा प्रेडिक्शन था 104.03 के आसपास, 104 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन बना लिया है, अब इसके बाद में अगर यहाँ से भी फर्दर ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए बड़े मूव होने के चांसेस डाउन साइड के बनेंगे, क्योंकि ये कंडीशन और जो प्राइस पैटर्न बनने वाले थे सारे को ये ब्रेक करता हुआ डाउन साइड आ चुका है। तो ये आपको लिए एक अलर्ट लेवल है, आपको यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में करता हूँ तो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखने की कोशिश करते हैं तो 104 के बाद में आपको 103.8 के बीच में ही लेवल्स बनते हुए देखने को मिले, बीच में आपको छोटे सपोर्ट मिलेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 103.8 के आसपास ही बनता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये कंडीशन आपके लिए यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, और हो सकता है इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बाद में एक छोटा सा रेंज का फॉर्मेशन हो, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो अभी मार्केट एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर इन केस इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको एक डाउन मूव देखेगा। अगर ये डाउन मूव रहेगा तो सिल्वर और गोल्ड हायर मूव में जाने की कोशिश करेगा। दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देख रहे हैं जो कॉमेक्स है, कॉमेक्स की कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो लगातार ये हायर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है, जो 2360 के आसपास रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी ये 67 के आसपास है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 61 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, बहुत स्ट्रांग नहीं है बट इमीडिएट है। अगर इसके अगेंस्ट में अगर हायर साइड जाते हैं तो 80 से लेके जो 85-86 का लेवल है, ये इम्पोर्टेंस के लिए सप्लाई का काम करेगा। फाइनली इसी बीच में इसको स्टक करना चाहिए, अगर ये जोन देखते हैं, अगर इसको ये 85 के ऊपर निकाल देता है तो फिर आपके लिए ये फिर 2400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो फाइनली आज के लिए जो रेंज बनने वाली है वो इसी बीच में ट्रेड करने वाला है, ये इसके लिए एक सप्लाई का काम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड कल की ओपनिंग से बहुत अच्छा रिकवर किया है, और रिकवर करने के साथ ही 71,800 के ऊपर ही सस्टेन किया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हो तो ये जो कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, अब इसके लिए 72,400 और 72,600 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उसके ऊपर अगर ये रुकने की कोशिश करता है
तो 72,800 के आसपास आने के बाद ही फर्दर कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस रेंज में इसको छोटी छोटी कैंडल्स बनाते रहना चाहिए, तभी यहाँ पे फर्दर डिसाइड करेगा। इनके से 800 के नीचे निकलता तो दोबारा जो कल का इसने कैंडल बना रखा है 600 और जो कल का बेस बना रखा है ये इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको यहाँ पे कंडीशन जो देखनी है, ऊपर 400 पहला रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे निकलता तो 200-200 पॉइंट पे आपको स्ट्रांग सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रैली रही है कल डाउन साइड ओपन होने के बाद में, ज़बरदस्त हायर साइड में गया मार्केट, तो इस वजह से थोड़ा स्टेबल भी रहता है तो बेटर कंडीशन बनने की कोशिश करेगा। साथ में अगर सिल्वर की देखते हैं कॉमेक्स को, कॉमेक्स ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल से रिएक्ट कर रहा है, जैसा हम कल भी देख रहे थे आज भी यह कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये 31 से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसके लिए थोड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये ऊपर क्लोज करता है तब इसमें कुछ पॉजिटिव बाइंग आएगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से दोबारा से डाउन साइड आने की कोशिश करेगा। 30.6 30.4 ये सारी इसके लिए सपोर्ट लेवल्स का काम करने वाले हैं। तो मार्केट के लिए कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो आज एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, बड़े मूव इसके ऊपर और डाउन मूव अगर ये यहाँ से आता है तो सिल्वर को डेफिनेटली ये नीचे की तरफ लेके आएगा। दूसरा अगर इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिल्वर का, कॉमेक्स के बाद में MCX माइक्रो, सिल्वर माइक्रो जिसमें हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए खोजते हैं, इसमें हमारी कंडीशन क्या रहती है हम आवर्ली से डिस्कस करते हैं। आवर्ली फ्रेम में फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सपोर्ट लेवल ऑलरेडी वर्क कर चुका है, अब इसमें दोबारा भी आएगा तो इतनी पोटेंशियल है इसके पास कि यहाँ पे रोकने की कोशिश कर सकता है। इन केस यहाँ से ऊपर निकलता है जो कि पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी बनती हुई देखने को मिल रही है कि 92,400 जो कल का हाई बना रखा है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल काम करेगा। अगर इन केस ये 92,400 के ऊपर निकलता है तो इसके लिए 92,600 से लेके 800 एक अच्छा सपोर्ट नहीं होके एक अच्छा सप्लाई जोन का यहाँ पे काम करेगा, तो ये आपको यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा इस लेवल के आसपास। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव कंडीशन बनती है तो आपको यहाँ छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा। ये जो छोटा सा यहाँ पे रेंज आप देख रहे हो, लगभग 5 से 6 कैंडल जो ये बनाई है ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इनके नीचे भी आता तो ये जोन इसके रोकने के लिए बैठा हुआ है, तो हो सकता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद में एक पुल बैक आया है और एक छोटी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए यहाँ पे तो बेटर कंडीशन बनेगी। तो 90,800 से लेके 92,400 ये इसके लिए रेंज पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है, इसके बाद ही फर्दर नेक्स्ट मूव के लिए डिसाइड करेंगे। कंडीशन फ्रेंड्स आपको सेल्फ डिसाइड करनी है, जैसे यहाँ पे ये डाउन साइड आते हुए यहाँ कुछ कंडीशन बनाया है, यहाँ तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी, लेकिन जब इसके ऊपर निकलने की कोशिश किया था तो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप देखोगे तो प्लान कर सकते थे। तो इस तरह की कंडीशन आप ग्रैब करें, सेल्फ लर्निंग सबसे अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप मिनिमम अमाउंट लेके आइए जितना आपको यहाँ पे 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करते रहे और 1 महीने तक तो उस अमाउंट को प्रोटेक्ट करिए। सेल्फ आपको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ सेल्फ साइकोलॉजी बिल्टअप हो जाएगी, आपको किसी और कंडीशन की ज़रूरत नहीं होगा। आप जस्ट ओवरव्यू के लिए देख सकते हैं लेकिन डिसीजन आपका सेल्फ काम करेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड इंगल्फ किया था, फिर यहाँ पे भी एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि मार्केट हायर साइड जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट का अपसाइड रैली किया है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देखते हो तो जो हम टारगेट लेके चलते हैं हमें 400-500 पॉइंट मिल जाए बेटर रहता है, अगर उससे ज़्यादा कहीं डायरेक्शनल मूव देता है तो वेल एंड गुड है। जब मार्केट हायर हाई कर रहा है तो वहाँ पे हम डायरेक्शनल मूव के लिए देख सकते हैं, जब भी मार्केट ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बना रहा है तो वहाँ पे हमें जस्ट अपने अमाउंट को प्रोटेक्ट करने पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अब यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड जो 92,600 से लेकिन 92,800 तक का ये जो लेवल है इम्पोर्टेंट काम करने वाला है, यहाँ इसके बाद ही फर्दर कुछ डिसाइड करेगा। तो आपको अगर इस जोन में जाता है तो इस जोन में स्टक करेगा, साथ ही EMA भी अभी इसको डाउन साइड ही ले जाने की कोशिश करता, हो सकता है यहाँ से थोड़ा रिएक्ट करे और डाउन साइड आने की कोशिश करे। बाइंग की बेटर अपॉर्चुनिटी आपको 92,600 या फिर 93,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, तब आपको 500 पॉइंट का ऊपर टारगेट मिलने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अगर डेली में अगर आप देख रहे हैं तो डेली कंडीशन भी मार्केट ने अच्छा रिकवर किया है, फर्स्ट पुल बैक है, फर्स्ट पुल बैक में स्ट्रांग बाइंग के लिए नहीं जाते हैं लेकिन हम थोड़ा प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि डाउन साइड से अच्छा रिकवर किया है। अब इसका फॉलोअप अगर आता है तो स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, अगर इस कैंडल को देखते हैं वो 400-500 स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 400-500 के लिए हायर साइड टारगेट देख सकते हैं, अगर नीचे निकलेगा तो दोबारा इसके लिए 400-500 सपोर्ट लेवल का काम करेगा। इस जोन में फंसेगा तो दोबारा से स्टक करेगा और फिर नया डायरेक्शन मूव डिसाइड कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही होगी। अगर आपने यहाँ तो वीडियो देख ली तो एक बार जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दोबारा मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।